नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे जमीन से जुड़े हुए मामलों को निपटारा करने के लिए सरकार और विभाग की तरफ से क्या क्या नई योजनाएं, फिलहाल जो है नया अपडेट क्या सामने आया है। बिहार में जमीन से जुड़े हुए सबसे ज़्यादा मामले हैं, खासकर आपराधिक मामलों की बात करें तो इसमें जमीन से जुड़े हुए मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। जमीन से जुड़े इन मामलों की आपसी बंटवारा का मामला जो है वो सबसे ज़्यादा है। जमीन में बंटवारा को लेकर आपसी विवाद की खबरें मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोरती है। सीएम नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे जनता दरबार में भी जमीन से जुड़े मामले सबसे ज़्यादा सामने आया था, जिसके बाद से सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को साफ साफ कहा है कि आप इस ओर ध्यान दीजिए। भूमि विवाद से जुड़े हुए मामलों को लेकर गृह विभाग और भूमि सुधार विभाग ने के अधिकारी मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में दोनों ही विभाग के अधिकारियों की बैठक होने वाली है। इधर गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान बोलते हुए अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने राजस्व एवं भूमि सुधार को पत्र लिखकर बैठक का स्थान, तारीख और समय तय करने को कहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जिलों के अपर समाहर्ता सहित विभाग के प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित प्रशाखा के पदाधिकारी और सहायक भी जुड़ सकेंगे। इस संबंध में जिलों को पर्याप्त रिपोर्ट की समीक्षा की जवाबदेही गृह विभाग के सचिव सेंथिल कुमार को दी गई है। गृह विभाग की इस बैठक में यह भी कहा गया कि कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना के तहत कुल 8064 कब्रिस्तान के विरुद्ध 6817 कब्रिस्तान पूर्ण होने की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ कब्रिस्तान की घेराबंदी की तस्वीर भी अपलोड करने को कहा गया है। इधर बिहार सरकार पारिवारिक जमीन विवाद को कम करने को लेकर प्रयासरत है। राज्य सरकार इस बात पर भी विचार कर रहा है कि सहमति आधारित जमीन बंटवारा को कानूनी रूप दे दिया जाए। फिलहाल इसके प्रारूप पर विचार हो रहा है। पुस्तैनी जमीन के बंटवारा में अड़चन विवाद का बड़ा कारण है। यह हो सकता है कि परिवार के बहुमत सदस्यों की राय को कानूनी रूप दिया जाए। परिवार के 10 सदस्य हैं और उसमें से कम 6 सदस्य बंटवारा के किसी एक प्रारूप को से मानने को सहमत हैं, तो ऐसे मामलों में सहमति पत्र तैयार कर उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सहमति पत्र पर परिवार के बहुमत सदस्यों का अलावा पंचायत के मुखिया चुनाव के निकटतम प्रतिद्वंद्वी, वार्ड सदस्य और चकबंदी एवं राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी दस्तखत करेंगे। इसे कानूनी मान्यता मिल जाएगी तो अल्प सदस्यों के लिए भी इसे जो है कानूनी तौर पे मानना बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे अभियान चल रहा है, चकबंदी शुरू होने से पहले हर तरह के पारिवारिक भूमि विवादों का निपटारा जरूरी है। इधर दाखिल खारिज के नियमों में हुए बदलाव को लेकर बोलते हुए मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि जिन व्यक्ति के पास जमाबंदी है, अगर वो अपनी जमीन बेचते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस से ही एक फॉर्म मिलेगा और वो दाखिल है। जो कि दाखिल खारिज की लंबी प्रक्रिया से उन्हें राहत मिलेगी। अब उन्हें अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आरटीपीएस काउंटर नहीं जाना पड़ेगा। इसका लाभ जमीन खरीदने वाले को भी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों की जमाबंदी नहीं हुई है उन्हें पुराने नियम के तहत ही अंचल कार्यालय में जाकर दाखिल खारिज कराना होगा। तो ये थे जमीन से जुड़े हुए मामले, जिसमें राज्य सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि आपसी बंटवारा का मामला है, जमीन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसका निष्पादन किया जा सके। तो ये थे जमीन से जुड़े हुए मामले। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।